चैप्टर नंबर वन पुत्री मम खलु निद्राति। ओके, पुत्री मीन्स डॉटर, मम मीन्स माय, खलु मीन्स रियली और ट्रूली। ओके, निद्राति मीन्स इट्स इंडिकेट प्रेजेंट टेंस, बराबर ने, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो माय डॉटर इज रियली और ट्रूली स्लीपिंग, बराबर। हम ये भी कह सकते हैं कि माय डॉटर इज रियली स्लीपिंग, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि माय डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग। ओके, तो पहले हम कविता का पठन करेंगे। ये जो पोएम है वो किसने लिखी है? विश्वास, उसका नाम है विश्वास। ओके, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति, सुंदर शयने, सुंदर शयने, सुखमय वसने, सुखमय वसने, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति। सेकंड स्टैंजा, रे रे वायस, रे रे वायस, कर्कश कंठ, कर्कश कंठ, मारट मारट, मारट मारट, कर्ण कठोरम, कर्ण कठोरम, श्रांता क्लांता, श्रांता क्लांता, पुनरनुनीता, पुनरनुनीता, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति, म्याव म्याव मा कुरु, म्याव म्याव मा कुरु, घोर विरावम, घोर विरावम, चल चल रे खल, चल चल रे खल, चोर बिलाल, चोर बिलाल, स्निग्धा मुग्धा, स्निग्धा मुग्धा, सेवित दुग्धा, सेवित दुग्धा, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति, उच्चैर मा वश, उच्चैर मा वश, शूनक वराक, शूनक वराक, भौ भौ मा कुरु, भौ भौ मा कुरु, कार्य विहीन, कार्य विहीन, विमला कुशला, विमला कुशला, सुमनो मृदुला, सुमनो मृदुला, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति, रे रे मशक, रे रे मशक, मा कुरु गानम, मा कुरु गानम, मा स्पृश, मा स्पृश, मा दश, मा दश, रक्त पिपासो, रक्त पिपासो, सुदति सुमुखी, सुदति सुमुखी, शोभन गात्री, शोभन गात्री, पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा, पुत्री मीन्स डॉटर, मम मीन्स माय, खलु मीन्स रियली और ट्रूली, निद्राति मीन्स स्लीपिंग। तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? माय डॉटर इज रियली स्लीपिंग। अगेन रिपीट होता है सेंटेंस, तो वहां पर ट्रूली हम लेंगे, पुत्री मम खलु निद्राति मीन्स माय डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग। सुंदर शयने, सुंदर शयने मीन्स इन अ ब्यूटीफुल बेड, बराबर। सुखमय वसने मीन्स इन अ कंफर्टेबल क्लोथ, बराबर। तो क्या होगा? इन अ ब्यूटीफुल बेड, इन अ कंफर्टेबल क्लोथ, पुत्री मम खलु निद्राति, माय डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग। ओके, अब मैं संस्कृत सेंटेंस बोलूंगी, आपको उसका ट्रांसलेशन करना है। yes, उसके पहले एक बार मैं रिपीट करती हूँ।
My daughter is really sleeping. My daughter is truly sleeping in a beautiful bed, in a comfortable clothes. My daughter is really or truly sleeping. Clear? Yes, teacher. Putri mama khalu nidrati. My daughter is really sleeping. Putri mama khalu nidrati. My daughter is truly sleeping. Sundar shayane sukhamay vasane. In a beautiful bed. In a beautiful clothes. Putri mama khalu nidrati. My daughter is truly sleeping. Okay? यहाँ पर दो वर्ड नए हैं, टाइटल तो आपको अब अच्छे से याद रह गया। yes. दो वर्ड मीनिंग है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सुंदर शयने मीन्स इन अ ब्यूटीफुल बेड, सुखमय वसने मीन्स इन अ कंफर्टेबल क्लोथ्स। क्लियर? यस। सेकंड वन, रे रे वायस कर्कश कंठ। वायस मीन्स क्रो, बराबर। कर्कश कंठ मीन्स अनप्लीजेंट, जो सुनने को अच्छा नहीं लगता, बराबर। ऐसी आवाज जो सुनने में अच्छी नहीं लगती। ओके। मारट मारट, मा मीन्स डोंट, बराबर। रट मीन्स रिपीट करना, बराबर। तो मारट मारट मीन्स डू नॉट रिपीट, डू नॉट मेक वॉइस रिपीटेडली, बराबर। कैसी आवाज? तो कि कर्ण कठोरम, कर्ण मीन्स कान, बराबर। कर्ण कठोरम मीन्स जो कान को सुनने में अच्छी नहीं लगती, अनप्लीजेंट टू द ईयर। ओके। श्रांता क्लांता पुनर्नुनीता, ध्यान में रखना है। श्रांता मीन्स टायर्ड, श्रांता मीन्स टायर्ड, क्लांता मीन्स विदर्ड, क्लांता मीन्स पुनर्नुनीता। ऐसी जो बार बार उसे प्यार करने को जी चाहे, बराबर। वन हु इज लव्ड अगेन एंड अगेन, बराबर। पुत्री मम खलु निद्राति, वो तो आपको मालूम है ना। तो वायस मीन्स क्रो, कर्कश कंठ मीन्स अनप्लेजेंट, मारट मारट मीन्स डोंट मेक नॉइज रिपीटेड, बराबर। मारट मारट मीन्स डोंट मेक नॉइज रिपीटेड। ओके। कर्ण कठोरम अनप्लीजेंट साउंड टू इयर्स, वेरी गुड। श्रांता मीन्स टायर्ड, क्लांता मीन्स विदर्ड, पुनर्नुनीता मीन्स वन वन अगेन अगेन, पुत्री मम खलु निद्राति, वो तो आपको पता है, yes. है ना। तो क्या कहेंगे कि ओ क्रो, उसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे? ओ क्रो विद द हार्श वॉइस डू नॉट ओके। उसके बाद क्या कहेंगे? माय टायर विदर्ड एंड लव मोर एंड लव मोर माय डॉटर मोर डॉटर इज रियली और ट्रूली स्लीपिंग। क्लियर? यस। चलो। रे रे वायस कर्कश कंठ, मारट मारट कर्ण कठोरम, ओ ओ क्रो श्रांता क्लांता पुनर्नुनीता पुत्री मम खलु निद्राति, My tired and your
तो फर्स्ट और सेकेंड जो स्टंजा है उसके वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन आपको नोटबुक में कॉपी करनी है।